हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को कुछ पेंटिंग के शर्ट शेयर करूंगी जो मैं एक पीलो कवर पे बना रही हूँ। देखिए, ऑलरेडी मैंने कुछ कर रखा है जिसे आपको बताने के लिए कि मैं कैसा शर्ट दूंगी। तो एक मैंने रेड पे दिया है और एक मैंने ब्लू पे दिया है, और ग्रीन और वाइट में मैं लीव्स बनाऊँगी। ये शर्ट बहुत ही ईजी है, खासकर जो बिगनर हैं उनके लिए तो बहुत ही ईजी है, वो आसानी से कर सकेंगी। जो भी अभी नए नए लोग हैं, सीख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ईजी है। तो आज हम इसको बताएंगे कि कैसे करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें, और जो नए लोग देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, मैंने थैंक्स उनको कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया, और जो नए लोग हैं वो सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं ब्लू वाला देती हूँ शेड। तो ब्लू कलर का जो है, देखिए, इसको मैं ब्लू से और वाइट से शेड दूँगी। तो ये जो है, देखिए, ये कलर ब्लू है, कैमल का है ये ब्लू जो कलर है, और ये वाइट है, एक्रेलिक का है वाइट कलर। तो इससे मैं शेड करूँगी। दो ब्रश का यूज़ करूँगी। एक ब्रश जो है ये देखिए 1 नंबर का फ्लैट ब्रश है, और शेड करने के लिए 0 नंबर का ब्रश। पूरा एक कलर से कर लूँगी इस तरह। प्लेन एक कलर से इसे देखिए, इस तरह करने के बाद कलर ब्रश में लगा उसे साफ़ कर लेंगे, और साफ़ करने के बाद हल्का सा वाइट, देखिए, हल्का सा वाइट कलर लगाएंगे ब्रश में, और मिडिल में एक लाइनिंग करेंगे। फिर ये लाइनिंग करने के बाद हल्का सा ब्रश में ब्लू कलर लगाएंगे, और उसे ये लाइनिंग को इस तरह शेड कर देंगे। देखिए, इस तरह करते हुए आएंगे, और जो कलर ब्रश में लग जाएगा उसे कपड़े में साफ़ कर देंगे। देखिए, पिटल्स कंप्लीट हो गई है, अब दूसरी वाली करेंगे। इस तरह करते हुए पहले उसको पूरा एक कलर से कर लेंगे। पहले आउटलाइन करेंगे, आउटलाइन से फिनिशिंग आएगी अच्छी। आउटलाइन करने के बाद देखिए, इस तरह कलर अच्छे से ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने के बाद जो कलर ब्रश में लगा हुआ है उसे साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद देखिए, इस तरह हल्का हल्का सा जो किनारे वाइट होगा वहाँ पर देखिए लाइनिंग करके इस तरह शेड कर देंगे। बीच वाली लाइनिंग हम इससे भी कर सकते हैं, और इसके लिए 0 नंबर का भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अभी एक लीव्स कंप्लीट कर ली हमने। देखिए, एक पिटल्स कंप्लीट हो गई, अब दूसरी वाली कर रहे हैं। बार बार कपड़े में ये ब्रश से पूछना पड़ा, इसलिए हम मेरी वाली लाइन जो है वो 0 नंबर के ब्रश से कर रहे हैं। देखिए, इस तरह करते हुए थोड़ा सा राउंड में ले आएंगे, और फिर ब्रश में ब्लू कलर लगाएंगे, और उससे शेड दे देंगे, जिससे साइड में कुछ वाइट वाइट रहे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए, भी पिटल कंप्लीट हो चुकी है। इसलिए पहले इसको इस तरह आउटलाइन करके, देखिए, आउटलाइन करने के बाद कलर पूरा फैला लेंगे। ये बहुत ही इजी शेड है, जो नए लोग अगर पेंटिंग सीखना चाहते हैं, जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया, वो भी इसे कर सकते हैं आसानी से। देखिए, इस तरह करते हुए थोड़ा सा राउंड में ले आइएगा, राउंड में लाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए, इस तरह इसको फिर कलर को ये साइड साइड में जो है थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। देखिए, बन गया ये भी। एक पिटल्स और बची हुई है इसमें। आप इसे कोई भी कलर करना, जो कलर आपको पसंद हो उस कलर से करिए। मैं आपको ब्लू में बता रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि इस पर ये जो कलर है पीलो का, इस पर ब्लू कलर ज़्यादा अच्छा लगता है। ब्लू और रेड का ही मैं शेड दे रही हूँ। आपको जो कलर सूटेबल लगे आप उस कलर से कीजिए।
पेंटिंग आप जितनी बारीकी से करेंगे, जितनी सफाई से करेंगे, उतनी ही अच्छी आएगी। आप कोई मुश्किल नहीं है शेड करना किसी भी चीज़ पे, जो भी आप करना चाहते हैं। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है स्ट्रोक पे, कि थोड़ा सा आपको बस ध्यान देना है, ब्रश वगैरह का ख्याल करना कि हम कहाँ पे कौन सा ब्रश यूज़ करें। तो अगर आप इस सब का ख्याल करेंगे तो आपकी पेंटिंग इंशाल्लाह अच्छी आएगी। दूसरा वाला जो है देखिए, उसको हम रेड कलर से करेंगे। ये रेड और वाइट का शेड देंगे, तो सेम उसमें भी यही प्रोसेस है। देखिए इसमें भी पहले हम पूरा रेड कलर से इस तरह पूरा हम कलर को फैला लेंगे, जो भी पिटल्स है उसको पहले पूरा हम रेड कलर से कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा नोक बना देंगे जो है। देखिए करने के बाद जब रेड से कर लेंगे तो ज़ीरो नंबर का ब्रश जो है इससे मिडिल में हम वाइट कलर से लाइनिंग कर देंगे। थोड़ा सा लाइनिंग जो है वो डार्क करते हैं। देखिए इस तरह करने के बाद इस साइड साइड जो है कलर को इस तरह मिक्स कर देंगे, जिससे कलर फैला हुआ ना लगे। यहाँ थोड़ा सा कलर देखिए ऊपर की तरफ फैल गया है, तो इसे हम ज़ीरो नंबर का ब्रश से जो है इस तरह एक नोक टाइप का बना देंगे, पता नहीं चलेगा अभी। देखिए इसे तो थोड़ा बहुत पेंट में होता रहता है। देखिए ये भी तैयार हो गया, तो इसके बगल वाले पिटल्स करेंगे। स्लीव्स को मैंने ऐसा बनाया या कहीं राउंड किया है, कहीं खुद कहीं वो थोड़ा सा फैला दिया है, मैंने खुद बनाया इसे, मैंने खुद इसे ड्रा किया है। देखिए अब दो पिटल्स हमने कर ली, एक ऑलरेडी पहले से कर रखी थी। आप लोग अगर आप शेड सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना करिएगा। पूरा देखने से आप जान जाएंगे कि ये शेड कैसे दिया गया है। और सपोर्ट करिए मेरे चैनल को, आप अगर सपोर्ट करते हैं तो अच्छा लगता है, लगता है कि हाँ किसी ने मेरा वीडियो देखा। कमेंट करते हैं जो भी, जैसा भी कमेंट करें, अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा तो उससे भी आप दे सकती हैं कि ये चीज़ें, अगर मुझे कहीं कुछ आपको लगे कि किसी और तरह का शर्ट देना चाहिए इस पे, इस कपड़े पे या इस फ्लावर पे, तो आप वो भी सजेस्ट कर सकती हैं, हमें अच्छा लगेगा इस तरह अगर आप लोग बताती हैं। ज़रूरी नहीं है मेरी ही की चीज़ें अच्छी हो, आप लोगों की पसंद कुछ और होगी तो उसकी भी अगर आप बताएँगी तो मे बी वो भी अच्छे हो सकता है, इससे बेहतर हो। तो इस तरह अगर आप लोग कमेंट करके बताती हैं कि यहाँ पे ऐसा करिए या जो भी है, तो अच्छा लगेगा। पूछते हैं कुछ लोग बताते हैं कि हाँ हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए, तो करने में और मन लगता है। नई नई वीडियो हम डालते रहेंगे आपको इस चैनल पे। मैं पेंटिंग की भी डालती हूँ, फ्लावर की भी डालती हूँ, डेकोरेटिंग थिंग्स का और भी बनाऊँगी, आपको बताऊँगी, बोर्ड वगैरह भी बताऊँगी बनाना। जब आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं और भी डिज़ाइनिंग की बोर्ड भी बनाना बताऊँगी, जो आप अपने घरों में डेकोरेट करिएगा। देखिए इस तरह करने के बाद ये जो साइड है यहाँ पे ब्रश से थोड़ा सा कलर को इस तरह मिक्स कर देंगे। देखिए देखिए ये ब्रश थोड़ा सा मेरा फैल गया है, अब मैं दूसरा लाऊंगी परचेज़ करके। आज मुझे जाना था मार्केट लेकिन मैं गई नहीं, जाऊंगी फिर ख़रीद के दूसरा लेके आऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा पहला वो सही नहीं लग रहा। जब छोटे फूल जहाँ होते हैं वहाँ पे अच्छे से पेंटिंग नहीं होती है, तो इस तरह थोड़ा सा फैल जाता है कलर। देखिए ये कली भी हो गई, ये बहुत ही ईजी शेड है, जो भी करना चाहता है बिगनर्स है, क्योंकि यहाँ ब्लू ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि प्लांट में आप कई तरह के फ्लावर उग सकते हैं, साइंस का दौर है। तो इस तरह मैं भी यहाँ पे एक ही में कई तरह का बनाऊंगी, कुछ भी सब कुछ पॉसिबल है। देखिए फ्लावर और बर्ड्स हमने कंप्लीट कर ली है, अब टहनी बची हुई है और लीव्स बची हुई है। उस जो लीव्स है उसको मैं ग्रीन से करूँगी और ब्लैक की उसकी जो नसें होती हैं उससे बनाऊँगी, और जो टहनी है इसे भी हम बनाएंगे ग्रीन कलर से। तो ये सैप ग्रीन है, इससे करूँगी। फ्लावर का जो पोर्शन है बना लेते हैं ये ग्रीन वाला। देखिए
देखिए इसे ज़ीरो नंबर की ब्रश से थोड़ा सा इसमें नोक बना देंगे तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा राउंड शेप में था ना, तो उसे राउंड कर देंगे। और ये वाला पोर्शन मैं पहले ज़ीरो नंबर के ब्रश से कर देती हूँ, जिससे क्या होगा ना, नोक अच्छा बनेगा ज़ीरो नंबर के ब्रश से जो है। देखिए अब हम ये वाली लिप्स बनाएंगे, ये थोड़ी सी कटीली कटीली डिज़ाइन की है। इसको मैं वाइट और ग्रीन में शेड दूंगी। देखिए इस लिप्स को दो कलर से मैं शेड दूंगी इसको, इस तरह ब्रश में वाइट कलर लेंगे, इस तरह वाइट। देखिए इस तरह शेड करते जाएंगे तो कहीं वाइट आएगा कहीं ग्रीन आएगा, और कलर को ब्रश में साफ करते जाएंगे कि थोड़ा सा ब्रश को इस तरह फ्लैट करेंगे और इस तरह खींचते हुए आएंगे। फिर यहाँ पे खड़ा ब्रश रखेंगे और एक बार इस तरह खड़ा ब्रश रख के इस तरह खींचते हुए जाएंगे तो ये कलर थोड़ा सा मिक्स टाइप आएगा। नीचे थोड़ा सा ये चीज़ देखिए, यहाँ पे ग्रीन लगा के ऐसे ऐसे इस तरह, क्योंकि यहाँ पे हल्का लाइट ग्रीन लाइट, देखिए देखिए इसके करने के बाद इसके ऊपर जो है वहाँ पे हम ग्रीन कर देंगे और यहाँ से खींचेंगे इस तरह। ब्रश को देखिए जैसे हम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस तरह खड़ा रखेंगे ब्रश को, इस तरह देखिए ब्रश को खड़ा रखेंगे। खड़ा रखने से क्या होगा, जो शेड होगा ना वो अच्छे से आएगा, क्योंकि ये जो लीव्स है ये पतली है थोड़ी, तो जितना ब्रश खड़ा रहेगा उतना अच्छा आएगा। ओके अब इसमें हम वाइट कलर लेंगे ब्रश में और यहाँ से देखिए इस तरह वाइट लगाएंगे। वाइट लगाने के बाद देखिए इस तरह शेड करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे, देखिए इस तरह, और जो कलर लग जाएगा उसे ब्रश में साफ करते जाएंगे। थोड़ा सा ब्रश में ग्रीन लगाएंगे क्योंकि देखिए मिडिल में वाइट ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह ब्रश को खड़ा रखेंगे बिल्कुल और खींचते हुए इस तरह आएंगे। अब इसके ऊपर देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से ग्रीन कलर लगाएंगे, अब यहाँ ग्रीन लगाने के बाद फिर यहाँ पर हम वाइट कलर लेंगे। देखिए यहाँ से वाइट लेंगे और इस तरह नीचे की तरफ शेड करते हुए आएंगे। देखिए अब इसके बाद इसके ऊपर हम ग्रीन लेंगे, जो ये नसें बनी हुई हैं इस तरह नुकीली नुकीली सी, इसी का बस ध्यान देंगे। एक पोर्शन में हम ग्रीन लेके चलेंगे और एक पोर्शन में हम वाइट लेके चलेंगे, फिर उसके बाद शेड देंगे। देखिए यहाँ से ग्रीन हो गया, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह करके ग्रीन मिक्स कर देंगे, अलग ना दिखे कलर, थोड़ा ग्रीनी भी रहे और थोड़ा सा वाइट पे भी शेड रहे। यहाँ देखिए ग्रीनी ज़्यादा लग रहा है तो थोड़ा सा इस तरह वाइट करते हुए इस तरह, देखिए लिप्स कंप्लीट हो गई है, बस एक लिप्स और बची हुई है, तो इसे पहले हम पूरा करेंगे। इस तरह देखिए इसको आउटलाइन कर लेंगे इस तरह ग्रीन कलर से, पहले ये जो सैफ ग्रीन है इसे इस तरह, कलर को थोड़ा सा ब्रश में ज़्यादा लेंगे जिससे क्या होगा शेड करने में आसानी हो। तो इस तरह पूरा ग्रीन लेने के बाद देखिए, फिर उसके बाद ब्रश को साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद मिडिल में हम वाइट कलर लगाएंगे, देखिए मिडिल में इस तरह वाइट फिल करेंगे, मिडिल में इस तरह वाइट फिल करने के बाद इसे इस तरह शेड कर देंगे। इसको करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे,
और इस तरह देखिए, और इस तरह नीचे से इस तरफ शेड कर देंगे। ओके, आउटलाइन कर लेंगे और मिडिल में इस तरह से भी वाइट लगाएंगे। जब ग्रीन कलर हो जाएगा तो ब्लैक कलर लगाएंगे मिडिल में उसकी नसें बनाने के लिए। तो उसके लिए हम जीरो नंबर का ब्रश यूज़ करेंगे। तो जीरो नंबर के ब्रश से हम देखिए लाइनिंग करेंगे मिडिल में। इस तरह लाइनिंग करने के बाद बारीक बारीक सी लाइनें करेंगे और इस तरह देखिए थोड़ा सा बड़ी बड़ी सी लाइनिंग करेंगे। देखिए इस तरह पतली पतली सी लाइनें निकालेंगे, थोड़ी फैली हुई नसें बनाएंगे क्योंकि ये नसें जो है ना ज़्यादा अच्छी लगती हैं इसमें, इन सब पत्तियों में। देखिए इस तरह से इसको यहाँ से निकालेंगे मिडिल से। इसी तरह ये पोर्शन जो है यहाँ पे भी देखिए लाइनिंग करेंगे इस तरह। देखिए करने के बाद यहाँ से इसको निकालेंगे, इस तरह ले जाएंगे और यहाँ पे निकाल देंगे, और एक यहाँ से निकाल देंगे इसमें, और देखिए यहाँ से निकालेंगे और एक यहाँ से। देखिए ये बन गई ना लिप्स। अब जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे थोड़ा सा हम राउंड शेप बना हुआ है, तो देखिए इस तरह राउंड शेप में करके यहाँ पे हम ब्राउन कलर का यूज़ करेंगे और इस मिडिल पोर्शन में फिल कर देंगे। हो गया, मोटा वाला ब्रश है ये, मोटा सा ब्रश है, इसे यूज़ करूँगी। ये मार्केट में मत ढूंढिएगा जहाँ से आप पेंट लेती है, वहाँ नहीं मिलेगा। ये मेरा मेकअप वाला ब्रश है, आई शेडो लगाने वाला, मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। आपको भी मिल जाएगा, ये कॉस्मेटिक शॉप पर मिलेगा, मार्केट में वैसा नहीं जहाँ पेंट खरीदिए तो वहाँ पर ढूंढिए, पता चले मिलेगा भी नहीं। ये मेरा था तो मैंने इसी में यूज़ कर लिया, घर में था जो आई शेडो लगाते हैं वही ब्रश है ये। तो इससे हम थोड़ा ऐसे टैप टैप कर देंगे, मोटा सा है ना तो इससे बहुत अच्छा होता है ये। इससे अगर ये कोई डिज़ाइन इस तरह की बनाते हैं तो बहुत अच्छे से हो जाता है। तो मैं यूज़ कर ली, रखा हुआ था, यूज़ था नहीं तो इसी में कर लिया। जो चीज़ जहाँ कम आ जाए वहीं के लिए बेहतर है। देखिए कितना अच्छा सा बन गया, तो इसलिए आपको बता दिया कि ये मेकअप वाला ब्रश है, इसे मत ढूंढिएगा जाके, पता चला इजी और सिंपल शेड है जो देखने में भी खूबसूरत लग रहा है और करने में भी इजी है। तो आप देखकर बताइएगा कि ये शेड आपको कैसा लगा, आपको टफ लगा या इजी लगा, ये भी बताइएगा। और आप करिएगा भी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।